आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको जो है ना लोग लुंगियां भी बंधवाएंगे और आपके गले में हार भी डालेंगे। टीचर हैं, उस्ताद हैं, मैंने इनसे फील्ड की नौकरी सीखी है और मैं इनकी दिल से कदर करता हूं। इन्होंने हमेशा मेरिट को तरजीह है, लोगों को इंसाफ उनके घर तक पहुंचाने की हमेशा तरजीह दी है और हमेशा मेरिट पर काम किया है। वो इनका इनसे जो कुछ मैंने सीखा है और उसी पर आज भी हम अमल दरामद कर रहे हैं। अपने स्टाफ को भी यही कहते हैं कि मेरिट पर काम करें, तो इंशाल्लाह कोशिश यही हुई कि जो फील्ड की जो नौकरी जो हमने फजरीन खान से सीखी है इसके नक्शे कदम। मैंने मकमे पुलिस में रिस्क आया है और मकमे भी और भी हैं, लेकिन जितनी इज्जत मकमे पुलिस की वजह से मुझे मिली है तो वो मेरे बयान करने से मैं काफ़ी हूँ। इस मैं सिपाही भर्ती हुआ था, सिपाही कांस्टेबल में भर्ती हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए डीएसपी अभी रिटायर हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे ज़्यादा इज्जत अल्लाह पाक से, मैं जितने भी शुक्र अल्लाह पाक का अदा करूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा है। तो इस बात में के हमारे जो जितने भी पुलिस अफसरान के साथ मैंने ड्यूटी की है, जैसे चोर रहा हूँ या एएसआई रहा हूँ या डीएसपी रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी पूरी पूरी सपोर्ट की है और उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया है। मैं पुलिस के अफसरान और जवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज देखें, मुझे उन लोगों ने कॉल किया है, डीएसपी साहब ने, आबिद इकबाल साहब ने और एसएचओ साहब ने मुझे कॉल किया यहाँ पे आने का, और साथ ही लोग भी आए हैं। तो जब बंदा पेंशन पे जाता है तो लोगों का तो कोई उसमें नहीं है अमल दखल के वो लोग आपको आएँ और आपके गले में हार डालें और लुंगी पहनाएं। हमने अपनी नौकरी की होती है, लेकिन जहाँ आप लोगों के साथ घुल मिल जाएँगे और उनके मसाइल आप मेरिट पे हल करेंगे तो उसका यही रिज़ल्ट होगा। जब आप अपनी पेंशन पे पूरे जाते हैं यहाँ से या अपना अरसा तैनाती जब आप पूरा करके जाते हैं पुलिस से, तो वो जो इज़्ज़त आपको मिलती है वो इंसान बयान नहीं कर सकता। और जो इज़्ज़त मुझे अभी अपने यहाँ पे डीएसपी साहबान है या एसएचओ साहब था, अनवर खटक साहब था, आबिद इकबाल साहब थे और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, कौन किसी के लिए टाइम निकालता है, तो वो यहाँ पर आए हैं मेरा इंतज़ार किया है तो मैं आ गया हूँ, तो इससे मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। अनवार खान को मलिक इकबाल साहब पूरी ये रिक्वेस्ट करे सा कि इधां दे तरीके दूते चलो तो इहा इज्जत इंशाअल्लाह तुहाकू भी ये इलाके दे लोग भी दे सन और आवाम भी दे सकी। और मैं तुहाडे कोल भी तवक्को रखदा, सारे पुलिस वाले भरावां कोल तवक्को रखदा, जितने भी था एहलकार खंड थे कि बेइज्जत वक्त गुजारण दे विच ये शान होंदी है। बहुत सारे डीएसपी रिटायर थे सन जिन्होंने असं नफली पढ़िया हो सन, बेशुक्र रिटायर थी गया। बहुत सारे ऐसे चोर रिटायर थे सन जिन्होंने बहुत सारे लोग खुश थे सन, लेकिन कुछ लोग इो जाते जे आवाम दिलों के वसद आवाम इतना प्यार से मुहब्बत का राबता रखते हैं, जी जिंदा मिसाल फजल रहीम खान बैठे थी। अज भी इलाके का हर मुअज्ज़ज़ फजल रहीम खान के वास्ते या अल्लाह ताला बख्शे बहावल खान को इन्होंने बंदा के वास्ते इज्जत के मकाम रखता है। तो मैं खिराज तहसीन भी पेश करें ना अपने पूरे हमारे इलाका के तरफों।